नहीं मेरी कोई गल नहीं हुई, पर मेरी डॉक्टरां नाल जरूर गल हुई है डॉक्टर होने के नाते, क्योंकि उन्होंने बीमारी यह जी है कि उन्होंने इलाज नहीं कराया होया, तो कदे भी द्वारा हो सकता क्लॉट है उन्होंने सट लगी सी पैर च, तो उस तो बाद दो बार उन्होंने एक बार उन्होंने लंग्स ट्रैवल कर गया सीगा, तो उदों न्यूली पैरालिसिस हो गया सीगा, दूजी बार फिर उत्ते ट्रैवल किया तो उदों फिर वो बेहोश हो गए सी जदों घोड़े ते बैठ के कैलाश यात्रा ते गए सी, ते उदे विच जिहड़े कह रहे हैं भी रजिंदर सिंह लैके गए हैं टेस्ट कराए हैं तो उही आ रहा भी इत्थे थिकंड है, तो ये वो ये तो कह नहीं सकते भी उत्थों जिवें पहला मूव किया बई जदों पैरालाइज हो गए या जे उन्होंने बुरी मुसीबत ही आजूगी उदों चक के लियाणगे उदों टेस्ट करेंगे वह तो क्लॉट तो उदों आऊगा ना भी ट्रैवल करता, बट एक बैरिक च बंद करके उस बंदे नूं मतलब उन्होंने पतला ही तां कर रहे सी भी हुण उन्होंने सर्जरी ते फिर वह दवाई नहीं खा रहे क्योंकि उन्होंने अमेरिका की डॉक्टर वो रोज़ दो बार दिन च गल करते सीगे ते जिहड़ी डाइट ते उन्होंने पाए से उही खा रहे सीगे, ते जिवें कई तरह के पत्ते हैं कई पेड़ हैं जिहड़े घर ही लगे हुए हैं ते ज़्यादातर फ्रूट ते पत्ते खाते हैं जूस, ते वो जरूरी है क्योंकि बिल्कुल कोई दवाई इस ट्रीटमेंट लिए नहीं लै रहे ते ना ही फिल्टर पाया होया भी वह क्लॉट कदे भी ट्रैवल कर दे, तो मैनू ए लगता भी एक बेकसूर बंदे नू क्योंकि मैं तो झूठ नहीं बोलूँगी क्योंकि बेकसूर है तो बेकसूर है क्योंकि उन्होंने हाथ नहीं लाया, मैं फिर देखो मैं पॉलिटिकल कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहती, जो पहले दिन गए थे तो बहुत सारे लोग सीगे तो मैसेज भी आया सी प्रियंका गांधी का राजा वड़िंग का दस दस पंद्रह बार फोन आता है, पर इस कोई गल मैटर नहीं करती क्योंकि एक इंडिविजुअल केस है जिहड़ा कि परिवार को ही पता है, तो मैं तो इन्ना ही कह सकती हाँ भी मेरे घर वाले ने उस बंदे नूं हाथ भी नहीं लाया, कांग्रेस नूं की करना चाहिदा सी भी जिहड़ा बंदा माइनिंग ते दारू बंद पंजाब दा भले लई बच्चे रोकीए ईमानदारी नाल काम करिए आपां ना पंजाब लुटीए पंजाब दीआं जमीनां ना लुटीए इस च की माड़ा सीगा, इस जे सारे MLA नूं इस गल की तकलीफ सी भी असीं गंदे तरीके नाल पैसे कमाने हैं तो चंगे तरीके नाल भी पैसे कमा सकदे हो, उन्हें तो अपना सारा पैसा लाता वो तो बैंक चैक कर लो तो बैंक खाली है वो तो 80,000 रुपये की तनखा च आ गया 40 करोड़ छड़ के, तो बड़ा मुश्किल होंगे ये कहने ही सौखे होंगे हैं पर करना कोई भी नहीं है, तो हाँ जी मैं वाहगुरु तो भरोसा भी है कि इंसाफ भी मिलेगा इंसाफ ले लड़ांगे भी, तो जिनी देर नहीं है तो कमान तो जरूर संभालांगे क्योंकि उन्होंने जोड़ा उन्होंने काम है वह तो करना ही है, नहीं मैं वो बारे मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहती, मैं कोई पता उस बारे पता नहीं इधर कौन चंगा है, जिहड़ा सब तो ईमानदार कैंडीडेट हो जिहड़ी मर्जी पार्टी का हो, मैं कदे किसी पार्टी वाल गल नहीं करती तो क्योंकि मैं विच रह के भी BJP नूं कहा सी अकालियां तो अलग हो जाओ, एंड मैं अकाली दल नूं भी नहीं सी बुरा कह रही, मैं कह रही सी मजीठिया ते जिहड़े ये गलत बंदे ने जिहड़े गलत काम कर रहे ने, मैं किसी का भी नाम नहीं लेना चाहती इस च जिहड़े गलत काम कर रहे उन्होंने अलग कर दो क्योंकि पिंडां दी अकाली दल बहुत चंगी है इत्थे रीजनल पार्टी ही काम कर सकती है, जे तुसीं सोचोगे कि बाहरों आके कोई इत्थे दिल्ली तो बैठ के सरकार चलाऊगा तो वह सरकार नहीं चल सकती, भगवंत मान जे अपने ते लेगा वह जरूर चला लेगा उन्हें पंजाब नाल प्यार है, बहुत अच्छा बहुत अच्छी गल है क्योंकि ये एक मैसेज जाता है बाकियों कि तुसी क्योंकि सारे उस राह ते तुर पे सी 2 महीनों के अंदर अंदर हर बंदा इन्हां चों 60% 70% तो इधरों ही गए हुए हैं जिहड़े बचन लई केसां तों, देखो पॉलिटिक्स अजकल पॉलिटिक्स बहुत गंदी हो गई है, चंगे बंदे इग्नोर होंगे हैं जिहड़े माड़े बंदे हैं वो अपने आप नूं बचाउण लई भज के दूजी पार्टियां ज्वाइन कर लैंदे हैं, सो एक एक दो दो दिन च अपनी पार्टी बदलते हैं भी असी बच जाइए साडे केस ना खुलन, सो ये बहुत अच्छी गल है भी पहले ही वार्निंग देती तो एडा वड्डा स्टैप चक्या ताकि बाकी लोगों नूं एक सबक मिल जाए क्योंकि असी तां पंजाब दा भला चाहते हैं, असी शुरू तो क्या जिहड़ा बंदा करे है ना वह मुबारक वो शुरू तो यही कहते रहे हैं भी गलत काम ना करो पंजाब बारे सोच लो तो गलत सारे बच्चों नौकरियां दो बजाय कि थोड़े जे बंदे सारी माइनिंग का पैसा ले जान बाहरों दिल्ली के बंदे आके दारू का पैसा ले जान, हुण ये भी वो गल ना करन सस्ता रेता मिले
ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇ, ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ। 1000 ਰੁਪਏ ਹਰ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਜਿੱਤੇ ਉਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਹ 1000 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਹਰ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਜਾਏਗਾ। ਪੋਲੀ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਸਟ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? 4.5 ਸਾਲ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ, 4.5 ਸਾਲ ਆਪ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ, ਕਮਰੇ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਬਈ ਤਾਂ ਹੀ ਚੜੀ ਬਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਪਰ ਅਗਲਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਅੱਛੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਅੱਛੀ ਸਿਹਤ ਮਿਲੇ, ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਤਾਂ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹੀ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿੱਤੇ ਆਹੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਾਂ CM ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਪ CM ਹੁੰਦੇ। ਆਪ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ 4.5 ਸਾਲ, ਢੇਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਜਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਰਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਰਹੇ, ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਉਸ 'ਚ ਲਵਾਤੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਚੰਗੇ। ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੱਸ ਰਹੇ? ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨਾਮ ਦੱਸਦੇ ਜਿਵੇਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਡਰ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਾ ਬੁਰੇ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ।